जी बेटा हा वी वर डिस्कसिंग अबाउट मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल सो निकल कॉइन एज निकल इज़ अ मैग्नेटिक मटीरियल सो निकेल कॉइन विल ऑल्सो बी बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक मटीरियल नाउ ग्लास कप दीज आर नॉन मैग्नेटिक मटीरियल गोल्ड रिंग गोल्ड इज़ नॉट अ मेटालिक मैग्नेटिक मटीरियल सो गोल्ड रिंग विल नॉट अट्रैक्ट बाय अ मैग्नेट आयरन नेल आयरन की बनी हुई कोई भी चीज होगी बिकॉज आयरन इज अ गुड मैग्नेटिक मटीरियल दैट इज वाई ऑल थिंग्स मेडअप ऑफ आयरन विल अट्रैक्ट बाय आ मैग्नेट स्टील स्पून स्टील की बनी हुई स्पून हो सॉस पैन हो वट एवर इट इज बिकॉज स्टील इज अ मैग्नेटिक मटीरियल दैट इज वाई तमाम चीजें जो होंगी दे विल बी मैग्नेटिक लाइटर अभी हमने निकिल में कॉइन देखा था इट वॉज़ अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट बिकॉज निकल इज़ अ मैग्नेटिक मटीरियल बिल्कुल इसी तरह से निकिल लाइटर विल ऑल्सो अ मैग्नेटिक मटीरियल सो ये हमने सारी चीज़ें देख ली नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर वन वट इज मीनड बाय मैगनेटिज्म मैग्नेटिज्म अभी हमने पढ़ा है ना डेफिनेशन कल हम इसे और डिटेल में डिस्कस करेंगे बट थोड़ा सा हमने आज भी डिस्कस किया है तो so इसका क्वेश्चन हम करें मैग्नेटिज्म इज़ अ फोर्स डैट इन ऑब्जेक्ट रिपेलिंग और अट्रैक्टिंग वन एंड अदर मैगनेटिज़म एक ऐसी फोर्स है जो चीज़ों को ऑब्जेक्ट को रिपल या अट्रैक्ट करती है एक दूसरे के साथ रिपेलिंग मीन्स पुशिंग अवे रिपेलिंग का मतलब है पुश करना दूर करना दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड मैगनेट्स एंड दे यूजली कंटेन मैटर्स सच एज़ आयरन डेट है स्ट्रॉग मैगनेटिक क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छा जो मटीरियल होता है ना हमारा मैगनेट के लिए वो आयरन या स्टील होता है ओके okay? जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे सो वी विल डिस्कस मोर अबाउट दैट कि आयरन कैसा मैग्नेटिक मटेरियल है स्टील कैसा मैग्नेटिक मटेरियल है ओके मैग्नेटिज्म वर्क व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स मूव ऑल ओवर द प्लेस बट इन सर्टन दे मूव द सेम वे ओके बेटा हमने डिटेल में डिस्कस किया था हमने रीडिंग में भी किया था और हम इसकी जो पिक्चर्स थ्रो एक्सप्लेनेशन है वी विल डू इंशाल्लाह बाय टुमारो ओके okay, जी ये उसकी पिक्चर है ये आपने ब्लैंक पेज पे बनानी है ठीक है इसमें आप देख रहे हो आपकी बुक में भी मौजूद है एक मेटल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करें डिफरेंट डायरेक्शन में और इसलिए एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है और अगर सेम डायरेक्शन में हो यानी कि अलाइन हो तो ये फिर एक मैग्नेटिक मटीरियल होता है ओके और कौन कौन से मैग्नेटिक मटीरियल है हमारे पास आयरन स्टील कोबार निकल आयरन स्टील कोबार निकल क्वेश्चन नंबर टू वर्ट पार्ट ऑफ टू मैगनेट्स विल अट्रैक्ट इच अदर रिपल इचदर मैगनेट के दो पोल्स होते हैं ओके मैगनेट्स हैव टू पोल्स वन इज द नॉर्थ पोल ये जो एन है ये नॉर्थ का इसका मतलब है नॉर्थ एंड अदर इज साउथ एस मीन साउथ द नॉर्थ एंड द साउथ पोज ऑफ टू मैगनेट अट्रैक्ट ईच अदर बट टू नॉर्थ पोज और टू साउथ पोल विल रिपल इच अदर ओके बेटा इट इज अबाउट टूडे ये हमारी आज की तमाम चीजें थी हमने समझा और हमने क्वेश्चन आंसर्स भी किए स्टिल यू फील एनी डिफिकल्टी यू कैन आज टू मी अगेन एंड अगेन टेक के योर सेल्फ अल्लाह हाफिज़